लाख उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है। उपभोक्ता के 1 किलो वाट को 2 किलो वाट कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, रणदीप सुरजेवाला जिनके ऊपर जिम्मा है मध्य प्रदेश कांग्रेस का। एक उपभोक्ता की भी, एक परिवार की भी आपने एक फूटी कोड़ी, एक पैसा माफ किया है, बताइए। दूसरा सवाल, शिवराज सिंह चौहान रेडियो कप्तान से, क्या 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने के पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनका आपने लोड ही दुगना कर दिया? इससे उन्हें दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे या नहीं? नंबर 3, क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों का उनके कनेक्शन का लोड बढ़ाने से पहले उनकी राय ली गई, उन्हें सूचित किया गया, उनका आकलन किया गया, उनकी सहमति ली गई, उनसे कोई एग्रीमेंट किया गया? नंबर 4, क्या ये गरीब परिवार अब इनका लोड, क्योंकि 2 किलोवाट हो गया, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो कहीं ये अब गरीबी रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे? क्या ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया है कि इधर बिजली बिल बढ़ा दो, उधर राशन का पैसा भी बचा लो? और 5, क्या शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर है? मैं, मेरे सहयोगी जो हैं मिश्रा जी, वो आपको पेन ड्राइव्स और ये एक आदेश जो है इसकी कॉपी प्रेस रिलीज के साथ आपको भेज देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सवाल के लिए साधुवाद सवार वो है जिसे घोड़ा चलाना आता हो, और कांग्रेस पार्टी को शासन चलाना आता है। हम प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने कोताही की है उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी, और आपराधिक कार्रवाई जहां मिलेगी तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे जो गलत पाया गया। और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो पारदर्शी तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सब एक जैसे नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की अगली सरकार उन सारे अधिकारियों को तवज्जो दे, और इन सारे घपले घोटालों को हम अगले कुछ दिनों में, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, अभी तो आज तो हमने 12:15 बुलाई, जैसे ही कैंपेन और तेज हो जाएगा और 2-3 दिन में, उसके बाद सब सुबह चले जाएंगे हम, तो मैं आपको कभी कभी तकलीफ दिया करूँगा निरंतर, क्योंकि इतने सारे घोटालों के कागजात इकट्ठे हो गए कि अब वो शायद 17 दिन में बताने संभव नहीं है, पर जितने हो सकेंगे मैं हर रोज एक आपके समक्ष रखा करूंगा। रवि भाई माइक दे दे क्या इधर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यदि अक्सर गड़बड़ी कर रहे हैं माइक पे, तो क्या ये बीजेपी के नेता बिना आकलन के, मुख्यमंत्री ने बिना आकलन के घोषणा कर दी? इसलिए